असंभव भाई, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक बॉलिंग नहीं देखी जिस तरह आज पाकिस्तान टीम ने खतरनाक बॉलिंग की है। खैर यार, मैं पीसीपी वालों से नाराज हूँ कि यार न्यूजीलैंड की टीम को दूसरी बारी क्यों नहीं दी। भाई वो बेचारे स्लो बॉल नहीं खेल सकते, तो यार आप लोगों ने दूसरी बारी दे देनी चाहिए थी। खैर यार, हारी न्यूजीलैंड की टीम है और भाई सूजी हमारी इंडियन की है। भाई न्यूजीलैंड की टीम ने फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो पाकिस्तान का आज मुकाबला किया, और वो फुल स्ट्रेंथ देखो क्या था। भाई आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौत का खेल पार्ट टू हुआ, और जिस मौत के खेल के पार्ट टू में हमारे किंग बाबर आजम और भाई न्यूजीलैंड टीम के कप्तान यानी कि ब्रैसवेल जो है वो मैदान में आए टॉस के लिए। किंग बाबर आजम जो है वो टॉस जीत जाते हैं, और हमने सोचा यार अब जो है वो बैटिंग ले लेंगे, लेकिन यार बाबर आजम जो बैटिंग लेने के बजाय भाई बॉलिंग ले लेते हैं और फील्डिंग करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन खैर यार, न्यूजीलैंड टीम के ओपनर आते हैं और हमारे किंग बाबर आजम अपनी टीम को मैदान में उतारते हैं और पहला ओवर पकड़ा देते हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन फिर हमें इंतजार होता है की 4 साल बाद हमारा किंग मोहम्मद आमिर दूसरा ओवर करवाएगा। किंग बाबर आजम ने इसमें भी ट्विस्ट रखा, वही हमारे किंग बाबर आजम ने दूसरा ओवर नसीम शाह को पकड़ा दिया। फिर तीसरा ओवर जब शुरू होता है, हम फिर एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई अब आएगा हमारा किंग मोहम्मद आमिर। लेकिन फिर एक्साइटेड पे जो है वो पानी फिरा देते हैं और हमारे किंग बाबर आजम तीसरा ओवर दे देते हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी को। और उसके बाद जब शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में तो चलो विकेट नहीं मिलती, दूसरे ओवर में वो विकेट ले लेते हैं अपनी टीम के लिए। खैर यार, उसके बाद जब तीसरा ओवर मुकम्मल हुआ, फिर हमारे आते हैं जिस घड़ी का इंतजार था हमारे किंग मोहम्मद आमिर। भाई 4 साल बाद हमारा मोहम्मद आमिर बॉल करवा रहा था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये 4 साल बाद खेले हैं, भाई ऐसा लग रहा था कि भाई ये अब डेब्यू कर रहे हैं और अपनी टीम को ये जिता देते हैं, विकेट ले लेंगे। खैर यार, हमारे किंग मोहम्मद आमिर ने जो ओवर करवाया, कानों को हाथ लगाओ क्योंकि उस ओवर के बाद जब वो विकेट ऐसे गिरना शुरू हुई जैसे स्वाब का काम है। भाई हमारे किंग मोहम्मद आमिर ने ओवर करवाते ही पहली विकेट भी हासिल कर ली, और उसके बाद जब दूसरा बैट्समैन आता है न्यूजीलैंड का, तो भाई दूसरे न्यूजीलैंड के बैट्समैन को हमारे किंग मोहम्मद आमिर आउट कर लेते और वो कैच पकड़ते हमारे किंग बाबर आजम। और उसके बाद जो मूवमेंट हमें देखने को मिला यार, कसम से वो मूवमेंट मैं भूल नहीं सकता था, क्योंकि आज के दिन का बेस्ट मूवमेंट था किंग मोहम्मद आमिर और बाबर आजम, और साथ ही साथ हमारे शाहीन शाह अफरीदी तीनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। कसम से यार, लव यू हो गया, ये लव यू वाला मूवमेंट था। मजा आया हमारे मोहम्मद आमिर के पहले ओवर के बाद जो वो हमारे तमाम बॉलरों ने जो वो न्यूजीलैंड के तमाम बैटर्स की खूब ली, ये मेरा मतलब कि विकेट्स ली यार, तो धोती खोल रहा है। और भाई हमारे मेहमानों को सिर्फ 90 रन पे ऑल आउट कर दिया, भाई 90 रन पे ऑल आउट कर दिया हमारे मेहमानों को। यार क्या मेहमान नवाजी की है भाई पाकिस्तान वालों। मैच जो है वो कुछ बोर भी लग रहा था, लेकिन हमने जो है वो अपनी टीम की बोरिंग जो है वो भरपूर इंजॉय की है आज के मैच में। यार न्यूजीलैंड की टीम तो 91 रन पे आउट हो जाती है, लेकिन हमारे बॉलरों ने शानदार बॉलिंग की, जिसमें हमारे शाहीन शाह अफरीदी दी ईगल ने जो है वो जबरदस्त बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट हासिल की, हमारे मोहम्मद आमिर ने जो है वो 2 विकेट हासिल की, और भाई हमारे हैरी पॉटर इब्राहिम अहमद ने जो है वो 3 विकेट हासिल की, और हमारे शेडी भाई ने भी आखिरकार 1 विकेट हासिल किया। लेकिन खैर यार, फिर बारी आती है पाकिस्तान टीम की जिसका इंतजार होता है हमें, बाबर हुसैन अयूब ओपनिंग आएगी। आप सोच रहे थे कि यार ये पाकिस्तान जो है वो आसानी से रन चेस कर लेगा, क्योंकि 91 रन बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन भाई ये 91 रन जो है वो हमारे इधर तक पहुंच गए थे इधर तक। खैर यार, ओपनर लाते हैं हमारे की बाबर आजम और साथ ही सैम अयूब। जी हाँ भाई, बाबर आजम चाहते हैं कि भाई सैम अयूब जो है वो मेरे साथ ओपनिंग करे। भाई सैम अयूब पहले ही बॉल पर शानदार चौका लगा लेते हैं और भाई सईद अनवर की याद दिला देते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर फखर जमान की याद दिला देते हैं जब उनका एज लगता है, और भाई बॉलर इतना जबरदस्त कैच पकड़ता है और उस बंदे ने पूरी जान लगाई है, क्या डाइव लगाया है भाई सैम अयूब की बॉल को जब कैच पकड़ रहा था। खैर यार, पाकिस्तान टीम के 4 रन पर 1 आउट हो जाते हैं हमारा सैम अयूब। लेकिन फिर आते हैं हमारे मोहम्मद रिजवान, हमारे सुपरमैन रिजी भाई। भाई 1 डाउन जो है वो हमारे रिजी भाई है, और रिजी भाई आते साथ ही 2 चौके लगाए भाई कवर ड्राइव करते हुए। खैर यार, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी मुझे एक बार फिर से वो पुरानी वाली याद दिलाई, लेकिन यार बाबर आजम ने भी हमें धोखा दे दिया यार। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मैदान में बाबर आजम सिर्फ 13 बॉलों पे 14 रन बनाकर आउट हो गए, ब्रैसवेल का शिकार हो गए। लेकिन खैर यार, कोई बात नहीं, हमारे कैप्टन है, हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारे किंग बाबर आजम को, कोई बात नहीं यार। आज पहली इनिंग
इनिंग थी जो कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, लेकिन पहले पिछले 10-20 इनिंग 50 इनिंग उठाकर देख लो यार हमारा किंग बाबर आजम 4 रन से तो नीचे बात ही नहीं करता। खैर यार इसमें जो है वो एक दो आधा माइनर आ भी जाता है तो कोई भाई इंटेंशन ना लिया करो यार। डेरियन बाबर आजम के जाने के बाद हमें जिसका इंतजार होता है यानी कि उस्मान खान का डेब्यू, भाई उस्मान खान का डेब्यू हमें देखने को मिलता है लेकिन इतना प्यारा नहीं देखने को मिलता। उस्मान खान जो है वो भाई 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भाई एज लगकर विकेटों पे लग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हम उस्मान खान को फुल सपोर्ट करेंगे चाहे वो भाई पांचों के पांचों मैच में जल्दी आउट हो, चाहे वो भाई पांचों के पांचों मैच में डक पे आउट हो, लेकिन हम उस्मान खान का साथ देंगे, फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि उस्मान खान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मुझे उम्मीद है कि उस्मान खान जो है भरपूर इनिंग्स खेलेगा और 50 रन से ऊपर बनाएगा। हाँ भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो 91 रन का टारगेट है, बहुत आसानी से हो जाएगा। भाई इधर हमारी 3 विकेट आसानी से ले चुके थे न्यूजीलैंड की टीम वाले ने, भाई बाबर को आउट कर दिया, सैम को आउट कर दिया और हमारे उस्मान खान को आउट कर दिया, लेकिन फिर आते हमारे इरफान खान न्याजी और साथ ही साथ हमारे मोहम्मद रिजवान, भाई इन दोनों की जोड़ी बढ़ती रहती है। इन दोनों ने शॉट्स लगाना शुरू किया, इरफान खान न्याजी ने सिक्सर लगाना शुरू किया, भाई इन दोनों के पार्टनरशिप को तोड़ने की औकात रही थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, तो भाई इन दोनों ने ही मैच फिनिश कर दिया, यानी कि हमारे मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा रन बनाए इस मैच में, 45 रन बनाए और साथ ही साथ हमारे इरफान खान न्याजी ने भी जबरदस्त रन बनाए और मोहम्मद रिजवान का साथ दिया। पाकिस्तान टीम ने 91 रन का टारगेट भाई 12.2 गेंदों पर जो मुकम्मल किया, जिसमें हमारे मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त इनिंग खेली और इरफान खान न्याजी ने उनका साथ दिया। भाई पाकिस्तान की टीम पहला मैच जीत चुकी है, लेकिन आज के मैच में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी मूवमेंट वो लगा कि भाई बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और हमारे शहनशाह अफरीदी एक साथ हमें देखने को मिले। जब मोहम्मद आमिर ने विकेट ली तो बाबर आजम ने पास आकर जो है वो खूब इंजॉय भी किया साथ ही साथ, और भाई हमारे मोहम्मद आमिर को गले भी मिले साथ ही साथ एप्रिशिएट भी किया, तो भाई वो बेस्ट मोमेंट था हम सब के लिए और उन हेटर्स के लिए जो के कहते थे कि बाबर आजम इस तरह है, मोहम्मद आमिर इस तरह है, भाई उन सब के मुंह पर तमाचा मारा है। और हाँ भाई इस तरह की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप को देखकर हमारे इंडियंस की वाकई सूझी होनी है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम उनका इंतजार कर रहे हैं, बेशक वो आए या ना आए हम उनका इंतजार करने वाले हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा जितने भी उनके टॉप ऑर्डर के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है उनको भाई वर्ल्ड क्लास से हम निचली क्लास में ले आएंगे, भाई ये हमने अपना टारगेट रखा है वर्ल्ड कप। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो तीसरा T20 मैच है वो भाई आज हमें देखने को मिलेगा, तो भाई हम देखना ये होगा कि आज जो है वो कौन कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि आज भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और बारिश के कोई इंकारात नहीं है, तो भाई टेंशन ना लो बारिश नहीं होने वाली, फुल मजे हमें देखने को मिलेंगे। और हाँ भाई PCB वालों से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आज कुछ मैच जो है वो भाई बोर ना हो, क्योंकि आज का मैच जो है वो बोर था, इतने रन्स नहीं थे और हमारी टीम ने आसानी से चेज कर ली, सिर्फ हमने जो है वो भाई बॉलिंग एंजॉय किया, बैटिंग हमने एंजॉय नहीं किया दोनों टीमों के जानिब से। यार मुझे उम्मीद है कि यार आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो यार अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, और ये बताना कि यार आपको आज के मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो, हाँ भाई टारगेट नहीं भूलना 10,000 सब्सक्राइबर जून के महीने से पहले। तो भाई अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो, ओके अल्लाह हाफिज़।